काकोरी कांड के महानायक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के बलिदान दिवस 17 दिसंबर के अवसर पर बृहस्पतिवार को महानगर के सिविल लाइन स्थित बिस्मिल पार्क में एक दिया शहीदों के नाम के माध्यम से दीपांजलि लेकर उनके बलिदान को बड़ी शिद्दत से शहरवासियों ने याद किया। आपको बता दें कि विगत 11 वर्षों से अनवरत आयोजित हो रहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव के दूसरे दिन दीपोत्सव के माध्यम से मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्व जितासु सिंह, आशु क्षेत्रीय महामंत्री प्रदीप शुक्ला एवं महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, अंचित लाहिड़ी ने दीप जलाकर राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज का दिन आजादी आंदोलन में स्वर्णिम अक्षरों वाला दिन है, क्योंकि आज के दिन 17 दिसंबर को अंग्रेजों ने गोंडा की जेल में लाहिड़ी को फांसी दिया तो उधर ठीक एक वर्ष के बाद 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने शाम के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को घेर लिया और ज्यों ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकले तो राजगुरु ने पहली गोली दाग दी जो सैंडर्स के माथे पर लग गई। वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। फिर भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां दागी। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। वीरता के इतिहास को और वीरों के बलिदान को भावी पीढ़ी को याद करना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। इस दौरान अर्चना सिंह, पद्मा गुप्ता, चंचला शुक्ला, मीरा दुबे, रेणु पांडे, चंदा सिन्हा, शीला सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, फांसी मुकर्रर किया था अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को, लेकिन लाहिड़ी को दो दिन पहले गोंडा की जेल में आज ही के दिन फांसी दिया था। कि हमारे गोरखपुर क्षेत्र के उपाध्यक्ष विश्व जितासु सिंह आशु को बैच लगाकर उनका स्वागत करें। हमारे ये गुजरते हुए अप्रतिम क्षण धर्मेंद्र सिंह जी और हम सभी के सभी अतिथिगण, गणमान्य गण, आप सभी का हृदय से शहीद राम प्रसाद बिस्मिल मशाल जुलूस के साथ किया था और आज का ये क्षण, ये अद्भुत क्षण, ये दीप अगले नए सुप्रभा आयुष्मान विश्वाल जो भी वैभव है, संपन्नता है, ऊर्जा है, जो अग्नि है अपने भीतर, उस अग्नि के माध्यम से अपने राष्ट्र के लिए यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी युवा क्रांतिकारी तबियत के नौजवान मित्रों, बहनों, भाइयों, मैं सबसे पहले एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे युवा जिसके जिनके दिल में, जिनके सीने में देशभक्ति का जज्बा है और लगातार 15 वर्षों से देशभक्ति की अलख, भारत माँ के लिए जिन्होंने अपनी जवानी दी, भारत माता के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, ऐसे बलिदानियों को याद करते हुए लगातार 15 वर्षों से शहीद मेले का आयोजन करने वाले ब्रजेश राम त्रिपाठी जी को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और भारत के प्रत्येक लोगों को, यहाँ ब्रजेश मिश्रा जी भी हैं, मैं उनका नाम भूल गया था, बहुत सारे हमारे मित्र साथी, वास्तव में 1947 में जो देश आजाद हुआ, जिन लोगों ने भारत का तिरंगा झंडा 1947 में फहराया, ये देश उनके नाते आजाद नहीं हुआ, ये देश उन महान बलिदानियों के नाते आजाद हुआ जिनको विस्मृत के गर्भ में ढकेल दिया गया। आजाद भारत का हर नौजवान
उनके सीने में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, सस्वाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह जैसे हजारों हजारों क्रांतिकारी हमेशा याद आने चाहिए, हर बार उनको याद करना चाहिए। लेकिन मैं इस बात के लिए बार बार धन्यवाद दूंगा ब्रजेश राम त्रिपाठी जी को, इन बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को हमेशा याद करते हैं किसी न किसी बहाने। और सचमुच जब गोरखपुर के शाहजहांपुर के रहने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी भारत माता के लिए उन्होंने बलिदान दिया, गोरखपुर के जिला जेल में उनकी फांसी हुई थी, और पिछले वर्ष जब गोरखपुर के जिला जेल की 22 फीट ऊंची दीवार बन गई और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जहां फांसी हुई थी वो दर्शनार्थ गोरखपुर के जिला जेल के मुख्य द्वार से लोग जाते थे, हाथ में मोहर लगती थी। मुझे ब्रजेश राम त्रिपाठी जी ने बताया कि जो 19 दिसंबर को मेला वहां लगता है, जो हवन पूजन होता है हर बार, वो गेट बीच पतला जो खुला था बंद हो गया, अब मुख्य द्वार से जाना पड़ रहा है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा मैं अभी चलता हूं आपके साथ। हम लोग गए, यहाँ के जेल अधीक्षक ने जब हम लोग गए तो मोहर तो नहीं लगाया, लेकिन हम लोग अंदर गए, हम लोग देखे, और मैंने इच्छा प्रकट की कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की फांसी के पहले वो किस कमरे में रहते थे, जरा उसको मुझे दर्शन करना है। जेल अधीक्षक उन कमरों में मुझे ले गए, उन कमरों की दीवारों पर उन्होंने लिखा था, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश करना चाहता हूँ, नाश करना चाहता हूँ, उन्होंने छोटे छोटे श्लोक लिखे थे। और कमरे के साइड में एक मंदिर जैसा दृश्य बना करके, पिंडी बना करके वो पूजा करते थे। उन्होंने पूरी अपने जीवन में जो बातें थी उसको दीवारों पर लिखा था, और मैं उन कमरों को देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैं सीधे गया उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, मैंने कहा कि महाराज जी जिन कमरों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के पहले रहा करते थे वो दर्शनीय नहीं है, केवल उनके फांसी स्थल को लोग देखने जाते हैं, लेकिन उन कमरों में वो दर्शनीय अगर हो जाए, देश का युवा जाकर के देखकर कि किस प्रकार से देश की आजादी के लिए इन नौजवानों ने अपनी आहुति दी है, तो एक दर्शनीय एक प्रेरणादायी हो सकता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने एडीजी जेल चंद्र प्रकाश को तुरंत निर्देशित किया कि गोरखपुर जाइए, और गोरखपुर में जितना भी उनका 5-7 कमरा जिसमें वो रहते थे उस कमरे को लेकर के पूरा जो जहां उनकी फांसी हुई है पूरे स्थल को 22 फीट ऊंची दीवार बना करके जितना पैसा लगेगा उत्तर प्रदेश सरकार देगी, और लगभग 2 करोड़ से अधिक उन्होंने रुपया देकर के 22 फीट ऊंची दीवार बना करके पूरा का पूरा दर्शनीय स्थल बनाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया। जेल में हुई थी गोरखपुर के जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की, या आज जिनका बलिदान दिवस है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी की फांसी गोंडा के जेल में हुई थी, ये सब के सब उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में भी परिभाषित करने का काम किया। गोरखपुर के जिला जेल में जब बिस्मिल जी की मां एक दिन पहले आई थी मिलने, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो कुर्ता पहनते थे उसमें सोने की बटन थी, अंतिम में एक दिन बाद उनके बेटे की फांसी होनी थी, अपनी मां से आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने अपनी मां को एक कागज का टुकड़ा दिया और सोने की बटन निकाल कर दिया, और कहा मां ये बटन क्रांतिकारियों के काम आएगी, इसको क्रांतिकारियों को दे देना। और एक बहुत अच्छे वो विचारक थे, लेखक थे, कविता लिखते थे, वो अंतिम कविता जो अपनी उनकी मां ने लिखा था जो बिस्मिल की वो कविता प्रकाशित हुई थी, उन्होंने लिखा कि ऐ मां मेरी यादों को तू दिल में बसा लेना, ऐ मां मेरी यादों को तू दिल में बसा लेना, बदनाम न हो आंसू दामन में छुपा लेना, आजादी की समा पर तेरा भी परवाना खुद शौक से जल जाए बस इतनी ही दुआ देना, जब आए तेरे कूचे में राख मेरी उड़कर। इसी गोरखपुर के राजघाट पर उनकी अंत्येष्टि हुई थी, लाखों लोग दर्शन करने गए थे, घंटा घर में रखी गई थी,
उन्होंने अपनी माँ को लिखा इस बात को कि जब आए तेरे कूचे में राख मेरी उड़कर, यानी उस अंत्येष्टि से जो राख उड़कर आएगी, जब आए तेरे कूचे में राख मेरी उड़कर, उस राख से है माता एक दुनिया बसा लेना, खेलेने दो आज नाव कल कर पतवार गहन गहे, जीवन सरिता में शायद फिर ऐसी धार बहन बहे, अंतिम सांस निकलने तक है बिस्मिल की अभिलाष यही, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे। भाव प्रकट किया था आज राजेंद्रनाथ लाहिड़ी जी। 19 दिसंबर को काकोरी कांड में इन चारों लोगों की फांसी होनी थी, लेकिन अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि राजेंद्रनाथ लाहिड़ी जी को 19 दिसंबर के बजाय आज 17 दिसंबर को ही उनकी फांसी गोंडा के जेल में कर दिया। काकोरी कांड के नायकों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक बार पुनः मैं गुरु कृपा संस्थान के प्रमुख ब्रजेश राम त्रिपाठी जी, इनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देते हुए कि नौजवानों के दिलों में इस प्रकार के देशभक्ति का जज्बा आप जगाते रहिए, हम सब जितना सहयोग हो सकता है बिल्कुल इसमें पूरे तन मन धन के साथ सहयोग करेंगे। बहुत बहुत बधाई। गुरु कृपा संस्थान के प्रमुख ब्रजेश राम त्रिपाठी जी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मेला के आयोजन किए थे, और उसी के उपलक्ष्य में आज भारत माता के लिए बलिदान हुए राजेंद्रनाथ लाहिड़ी जी की का शहादत दिवस भी है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ दीपदान का कार्यक्रम था जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। 19 दिसंबर को ब्रिटिश हुकूमत के समय जो एक कांड हुआ था उसमें चार लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को, ठाकुर रोशन सिंह जी को, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्रनाथ लाहिड़ी जी को 19 दिसंबर को फांसी होनी थी, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने 17 दिसंबर को ही राजेंद्रनाथ लाहिड़ी जी को गोंडा के जेल में फांसी दी थी, और उसी के उपलक्ष्य में ये शहीदों को याद करने के उपलक्ष्य में 15 दिन का मेला हर वर्ष लगता है। आज भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के उस बलिदानी दिवस को याद करते हुए मेले के क्रम में ही ये दीपदान का कार्यक्रम राजेंद्रनाथ लाहिड़ी के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित था, उनको विनम्र श्रद्धांजलि के लिए मैं यहाँ आया था। अजय जी, युवाओं को भी ऐसे देशभक्ति कार्यक्रमों से कुछ सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि 1947 में जो देश आज़ाद हुआ, जिन लोगों ने तिरंगा झंडा फहराया, ये केवल उनके नाते नहीं हुआ था, ऐसे लाखों बलिदानियों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, उन्हें विस्मृत के गर्भ में ढकेल दिया गया, और उनको याद करने वाले कुछ लोग हैं जिसमें से इसी प्रकार के काम करने वाले, समाज में काम करने वाले लोग इस प्रकार का आयोजन करते हैं, और निश्चित रूप से देश के हर व्यक्ति को इन बलिदानियों को हमेशा याद करना चाहिए। वो केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को नहीं बल्कि वर्ष में इस प्रकार के आयोजन करने से, उनको याद करने से लोगों के, युवाओं में प्रेरणा का भाव जगेगा, युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा।